हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज इफ्तारी बनाने वाली हूँ तो साबूदाने की खिचड़ी। तो बस मैंने वही 2 घंटे पहले के है ना, इसको भिगो भिगो कर रख दिया था, थोड़ा सा गुनगुना पानी कर दिया था। अगर जैसे ठंडे पानी में डाल देती ना तो इतनी जल्दी नहीं हो पाती, लेकिन मैंने ना 2:30-3 बजे के टाइम पे ना गलाए थे इनको। सोचा था, बहुत देर से सुबह से ही सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आता है। रोज़ डेली ही इफ्तारी बनाना होती है और अलग अलग बनाना होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है अलग अलग बनाना, पर लेकिन मैं अपने आप में सोचती हूँ कि मैं अलग अलग बनाऊँ। कल मैंने बनाई थी, परसों बनाई थी, मतलब इस तरीके से मैं सोचती हूँ कि मैं अलग हट हट के बनाऊँ। तो मैं आज मैं सुबह से ही सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मैं मशीन पर बैठ गई थी तो मैं मशीन पर भी बैठे बैठे यही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँगी, आज शाम को क्या बनाऊँगी। फिर मुझे याद आया कि मैं आज है ना साबूदाने खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तक 9 रोज़ ही हो गए, 9 तो खैर कल ही हो जाएंगे। मतलब मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ ना, इस वजह से है ना शूट ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मुझे 9 की याद रहे। वैसे ये मेरा वीडियोज़ है 8वें रमज़ान का, तो बस वही मुझे याद था कि आज 8 रमज़ान हो गए, मैंने साबूदाने की खिचड़ी नहीं बनाई। तो बस मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ आज इफ्तियारी में। तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी में ज़्यादा कुछ तो लगता नहीं है, हरी मिर्ची और काली मिर्ची लगती है। तो जो कि मैंने काली मिर्ची में इसमें कूट लूँगी और हरी मिर्ची मैंने कट कर ली है। तो बस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है जब बनती है ना अच्छे तरीके से बनाओ, और साबूदाने की खिचड़ी तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस मेरे दिन भर के सोचने के बाद में फाइनल 3 बजे कर पाई कि मैं क्या बनाऊँगी। फिर 3 बजे फिर मैंने देखा किचन में जाके तो साबूदाने थे नहीं। फिर मैं जल्दी से है ना सूट सिल रही थी, फिर मैंने सिला नहीं उसको भी छोड़ के। सबसे पहले मैं दुकान गई, फिर वहाँ से मैं ना लेके आई 250 ग्राम साबूदाने, और आलू तो फ्रिज में रखे ही थे, और मूंगफली के दाने भी लेके आई। मूंगफली के दाने भी नहीं थे क्योंकि दुकान पास में ही दूर हो, तो फिर मैं इकट्ठा ही मतलब ऐसे ले आऊँ, लेकिन पास में ही है ना तो इकट्ठा सामान भर भी लो फिर भी है ना कुछ रह जाता है। तो वो साबूदाने और है ना वो लेके आई थी मैं मूंगफली के दाने। तो बस मूंगफली के दाने डाल के मैं बनाऊंगी और आलू डाल के बनाऊंगी। तो आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पे बैठकर नीचे मैं अपने काटा पीटी करने लगी थी। हरी मिर्ची मैंने काट ली है और काली मिर्ची खलबत्ते में कूट रही थी। ये इतना परेशान कर रही थी ना, मुझे इतना परेशान कर रही थी कि अच्छे से कुट ही नहीं रही थी। यही थी मतलब कुट तो रही थी अच्छे से अंदर, लेकिन उचक रही थी, उचक उचक के बाहर निकल आ रही थी काली मिर्ची। तो बस मैं भिन भिन के इसमें डाल भी रही थी। यही तो यहाँ पे मैं बैठ के मैंने अपनी काली मिर्ची को अच्छे से कूट लिया है, और हरी मिर्ची को भी मैंने कट कर लिया है। तो बस अब आ गई हमारे साबूदाने बनाने की बारी। ये तो यहाँ पे बस ज़्यादा चीज़ें प्याज वगैरह लगती नहीं है, और जैसे सबकी मर्जी होती है, एक अपना अपना एक टेस्ट होता है, जिस जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना जीरा ना प्याज साबूदाने में। ना जीरा अच्छा लगता है मुझे, ना प्याज अच्छी लगती है, सिर्फ हरी मिर्ची और काली मिर्च डालती है जो हिंदू लोग बनाते हैं ना बिल्कुल उस तरीके से। क्योंकि हम मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले हमारे बगल में एक आंटी रहती थी, तो वो हिंदू थी हैं मतलब अभी भी हैं वो आंटी। तो वो बनाती थी ना, तो मैं उनको देखती थी कि वो कैसे बनाती हैं, फिर वो बनाने के बाद मुझे देती थी खाने के लिए, तो वो बहुत अच्छी टेस्टी लगती थी। तो बस उन्हीं को देखकर मैं सीख गई, ऐसे ही बनाती थी वो, और तो बस उन्हीं के तरीके से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, जिन्हें मूंगफली के दानों को मैं है ना तेल में फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल इतना फ्राई करूँगी जब तक वो सोनी सोनी खुशबू आने लगती है ना, थोड़ी लाल लाल रेड सी हो जाती है, जब तक मैं इनको फ्राई करती रहूँगी। ये फिर फ्राई करने के बाद आधी इसके अंदर डालूंगी मैं, आधी है ना मिक्सर में पीस लूंगी। तो वो क्योंकि वो भी ऐसे ही करती थी, मैं बता रही हूँ ना आपको कि वो है ना उन्हीं की तरह मैं बना रही हूँ, जिस तरह वो बनाती थी ना। तो मैं बैठी बैठी वहीं पर ही दहली पे बैठ जाती थी उनके पास में, और उनको देखती थी बनाती थी कैसे बना रही है। तो वो इसी तरीके से बनाती थी ना, मेरे को किसी ने बताया है ये बनाना, और है ना मतलब मैंने कोई यूट्यूब वगैरह किसी पे देखा है, मैंने सिर्फ देखा है अपनी आंखों से, हमारी बगल वाली आंटी बनाती थी उसी तरीके से। तो बस मैं आज उसी तरीके से अपनी खिचड़ी बना रही हूँ, जो कि मैंने आधे है ना मतलब पूरे मूंगफली के दाने सेक लिए थे, फिर इनको निकाल लिए, तो आधे में मिक्सर जार में है ना इनको पीस लूंगी। ऐसा मतलब पीसना नहीं है, बारीक नहीं करना, बिल्कुल ऐसा मोटा दरदरा करना है, लेकिन फिर भी एक बार घुमाने में मेरे अच्छा ज़्यादा बारीक सा हो गया था, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा मोटा भी रह गया था, लेकिन अच्छा देखिए जो साइड में है ना उधर से हो गया था ना बारीक और बीच में है मोटा, लेकिन ये है ना दरदरा करती हूँ, दरदरा ही है आधे का। तो ये दरदरा पाउडर बना लिया ना मैंने, इसको है ना मैं उसमें खिचड़ी में डालूंगी जब बन जाएगी ना, उसके बाद में मैं खिचड़ी में डाल दूंगी। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। अब हम देखिए यहाँ पे काली नीली मिर्ची कूटी कुटी हुई रखी है, और यहाँ पे हमारा साबूदाना सुखो कर रख दिया है मैंने, जो भी पानी में डाला था ना तो उसको मैंने पानी हटा दिया था और है ना प्लेट में करके रख लिया था, और आलू को उबाल लिया था मैंने, उनको है ना कट कर लिया था आलूओं को भी। तो बस यहाँ पे मैं तेल डालूंगी, तेल डालने के बाद हरी मिर्ची डाल दूंगी, हरी मिर्ची के डालने के बाद में मैं अपने आलू फ्राई करूंगी इसके अंदर तेल में, क्योंकि आलू सिर्फ उबले हुए हैं अभी, फ्राई व्राई नहीं है।
तो यहाँ पे मैंने मूँगफली के दाने डाल दी। मूँगफली के दानों के डालने के बाद भी मैं अपने आलूओं को अच्छे से इसके अंदर फ्राई करूँगी। तो प्लीज़ से है ना, मेरी वीडियो पे जो भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। और है ना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा मुझे और बताइएगा कि है ना कैसी लगी आप लोगों को देखने में, क्योंकि खा तो आप पाएंगे नहीं, सिर्फ आप देख ही सकते हैं ना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को साबूदाने की खिचड़ी कैसी लगी देखने में भी, और बताइएगा। तो बस यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ें डाल दी थी, मिक्स कर दी थी अच्छे से। फिर उसके बाद में मैंने आखिरी में जो हमने दरदरा सा वो बनाया था ना पाउडर, उसका मूँगफली के दानों का, तो वो भी डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो भाई देखिए, मैंने खूब अच्छी कढ़ाई भर के बनाई है। अब मैं ये सारी है ना मतलब सब जगह बंटवाऊँगी, क्योंकि शाम को इफ्तारी के टाइम पे मैं इसीलिए इतना सारा बनाती हूँ कि सब जगह बंटवा दूँ। थोड़ा सा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बनाऊँगी तो फिर मैं बांटूँगी क्या, इसलिए मैं बहुत सारा बनाती हूँ शाम के टाइम। कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना अच्छी, तो बस मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ शाम को कि मैं सब जगह बांटूँ। तो देखिए, मैंने सारी सब जगह बांट दी थी, सिर्फ एक प्लेट बची थी वो भी मेरे को इफ्तारी के लिए, रोज़ा खोलने के लिए। तो यहाँ पे हमारा रोज़े का टाइम हो गया है, अब हम यहाँ बैठे बैठे रोज़ा खोल रहे थे। रोज़ा खोलने के बाद में नमाज़ पढ़ी, नमाज़ के बाद में थोड़ा सा आधे घंटे मैंने रेस्ट किया, ज़्यादा नहीं किया। फिर उसके बाद में मैं फिर से आ गई किचन में। तो किचन में खाना बना रही थी मैंने, जब उस टाइम पे खाना नहीं बनाया था क्योंकि खिचड़ी बना रही थी ना, इस वजह से। तो किचन में वैसे उसी का ही बहुत ज़्यादा फैलावा हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं रोज़ा खोलने के बाद ही खाना बना लूँगी। आटा गूँधने बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने सब्ज़ी बनने रख दी है। मसाला वगैरह हाँ मैंने तैयार करके रख दिया था, क्योंकि मैं बना रही थी मटन, तो मसाला छील छाल के मैंने रख दिया था। तो उसके बाद में फिर मैंने रोज़ा खोल के रेस्ट किया। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में मैं किचन में आई, और मैंने सबसे पहले सब्ज़ी भगारी, जिसकी मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। बहुत ज़्यादा है ना, दिन भर बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, रोज़े का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। अल्लाह का करम है, बहुत हिम्मत दे रहा है ऊपर वाला मुझे कि मैं इतनी बीमारी में से उठी हूँ, और फिर उसके बाद में मैं इतने रोज़े रख रही हूँ। आज है ना नवा रोज़ा है, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं नवे रोज़े को कर रही हूँ, क्यों झूठ रोजे में हूँ, तो इस वजह से मैं आज नवर हो जाए मेरा। लेकिन अल्लाह मुझे पे बहुत मेहरबान है, मुझे इतनी हिम्मत दे रहा है, इतनी ताकत दे रहा है कि मेरे रोजे हो चले हैं। और है ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी उसके बाद भी, मतलब इतनी कमज़ोरी आने के बाद, इतनी बीमारी में से उठने के बाद में मेरे को अल्लाह ताला रोजे रखवा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी बनकर तैयार है। और है ना वैसे मैंने सोचा नहीं था, जब मैं इतनी बीमार हो गई थी ना, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस साल फिर से रोज़े रख पाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट बार भी मेरी बीमार हो गई थी, कुछ हो गया था। तो उस टाइम पे भी मैं रोज़े नहीं रख पाई थी, दो चार छः ऐसे रख लिए थे मैंने, लेकिन ज़्यादा नहीं रख पाई थी। और इस बार भी जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो मैं सोच रही थी कि अगले महीने रोज़े, क्योंकि फरवरी में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि जब मार्च में ना रोज़े, और मैं रोज़े रख ही नहीं पाऊँगी, इस साल भी ऐसा ही होगा मेरे साथ में। लेकिन अल्लाह करा, मैं थोड़ी मेरी धीरे धीरे तबीयत ठीक हुई, फिर मैंने पहला रोज़ा रखा, और फिर ऐसे ऐसे मतलब मेरी तबीयत भी ठीक होती चली गई, और अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत देता चला गया। तो दिन भर तो पता है बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं चलता है ना कि रोज़े का। लेकिन जब शाम को जब हम रोज़ा खोल लेते हैं ना, फिर उसके बाद तो ऐसे हाथ पैर रह जाते हैं ना कि बस ऐसा लगता है कि लेटे रहो, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन मैंने फिर भी ये आज है ना खाना बनाया। वैसे ज़्यादातर मैं सुबह सब्जी बना लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड ले आए थे तो मैंने फ्रिज में रख दी थी, मैं इनकी शाम को बना लूँगी, दिन में कौन खाएगा, रखी रहेगी, मैं शाम को बना लूँगी तो गर्म गर्म वो भी खा लेंगे, अपने नमाज़ पढ़ के आएंगे, और मैं भी खा लूँगी रोज़ा खोल के। तो बस इसी वजह से मैंने है ना शाम के टाइम ही बनाई, रात में ही बनाई, मतलब रोज़ा खोलने के बाद। अभी मेरा ये टाइम हो रहा होगा 8 बजे का, 8 साढ़े 8 बजे का है, हाँ 8:30 बजे का टाइम होगा। तो मैंने खा, क्योंकि खाना बनाने के बाद ही मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी थी है ना, हम रोज़ा खुलने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। तो फिर उसके बाद में मैं जल्दी किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद में तो बहुत ज़्यादा कचरा मचड़ा सा हो रहा था, क्योंकि चप्पल पहन के बेटू भी घूमता है और मैं भी घूमती हूँ क्योंकि मैं अपनी क्यों नहीं कहूँ, बेटू के अकेले की क्यों कहूँ, मैं अपनी भी क्यों, मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा करते हैं कि चप्पल पहन के पूरे घर में घूमती हो तुम, क्योंकि चप्पल पहन के है ना मेरे से बिना चप्पल के रहा नहीं जाता है, सही बताऊँ तो। मेरे वो जो सर्दियों से आदत पड़ गई, क्योंकि सर्दियों में ठंडे पैर रहते थे, जरा भी ज़मीन पे पैर रखती थी ना तो ठंडे ठंडे पैर लगते थे, इस वजह से मुझे जी सर्दी से ही अभी से ही, जब पहले तो ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी तो मोज़े पहने रहती थी, फिर उसके बाद में कम सर्दी पड़ी तो चप्पल पहने रहती थी। तो बस उन्हीं दिनों में मेरे को ऐसी आदत पड़ गई है चप्पल पहने रहने की, तो घर पूरा किसकिसा हो रहा। तो मैंने इसको ना मैंने लाओ झाड़ू लगा देती हूँ। घर की खाना तो मेरा बन ही गया है, तो बस आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें भाई, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लगती है,
और है ना, जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, तो आप लोग कमेंट करते हैं वीडियो बनाओ, वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, वीडियो बनाओ, वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, और जब वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो देखती नहीं हूँ। ऐसा क्यों करते हो? क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? मजाक मत किया करो, क्योंकि रमज़ान में रोज़े में मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, रोज़े रख रही हूँ, तिलावत कर रही हूँ, और फिर है ना वीडियो भी शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बना भी रही हो, फिर ऊपर से आप मेरी वीडियो को सपोर्ट भी नहीं कर रहे, वीडियो वॉच भी नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं टेंशन में आ जाती हूँ। इसलिए कह रही हूँ प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, वीडियो पूरी देख लिया करें करें और है ना मेरे को अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, कहाँ से हैं, कौन हैं, तो कमेंट से ही पता चलता है ना कि कौन ने मेरी वीडियो देखी, कमेंट से ही जान पहचान होती है। क्योंकि है ना मैं, आप लोग देख भी जाओगे ना कोई, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि किसने देखी, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे, कमेंट करोगे तो उससे मुझे पता चल जाएगी कि हाँ ये तो मेरी वीडियोज़ पर हमेशा आते हैं। क्योंकि अगर आज कमेंट करोगे, फिर कल वीडियो आई, कल भी कमेंट करोगे, परसों वीडियोज़ आएगी, परसों भी कमेंट करोगे, तो फिर वो एक एक तरह के फ्रेंड से बन जाते हैं कि हाँ ये इंसान हमारी वीडियोस पे आते हैं और कमेंट करते हैं, तो एक पहचान सी हो जाती है, नाम है ना पता रहता है, इतना जाना पहचाना सा लगता है ना कि नहीं ये तो हमारे में आते हैं, इस तरीके का हो जाता है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सपोर्ट किया करें। और यहाँ पे है ना, अब है ना मैं अपने बस झाड़ू वाड़ू लगा ली हूँ, लगाने के बाद में अब मैं अपनी नमाज़ पढ़ूंगी, और नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर सो जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है दिन भर की, तो नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।